मैं चाहता हूँ ये निकाह फौरी हो जाए। मैं जानता हूँ आप मुझे सख्त नापसंद करते हैं हसन आरा। आपका कहा हुआ एक लफ्ज नहीं बोला हूँ मैं। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। शाज़ैन यहाँ क्यों आ गए? कुछ नहीं है वो सारे घर वाले साथ थे ना सिवाय अम्मी के, तो सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे आके इनसे बात कर लूँ। तो फिर क्या बातें हुई माँ बेटे के दरमियान? थी कुछ रास की बातें, मुझे भी नहीं बताएंगे। बताऊंगा, चंद बताऊंगा। वो दरअसल बहुत अरसे बाद अपने कमरे में वापस आया ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे इस कमरे को मेरे बगैर रहने की आदत सी हो चुकी है। शाज़ैन आपकी तबीयत तो ठीक है, इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? मुझे क्या होना है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है? देखो मेरे चेहरे से कुछ अजीब लग रहा है? नहीं ना, बस बहुत अरसे बाद अपने घर में आओ ना तुम्हारे साथ, तो जरा इमोशनल हो गया हूँ बस। ये तो है, आपकी घर वापसी पे सारे घर वाले बहुत इमोशनल हैं, सबने बहुत तकलीफें उठाई हैं और आपने भी, तो इमोशनल होना तो बनता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ फरियाद। तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली जाती तो मैं शायद कभी वापस ना आ पाता यहाँ पे। मैंने तो वही किया जो अब्बा जी ने मुझे सिखाया था। अब्बा जी हमेशा कहते थे कि बीवी से शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती, शौहर भी बीवी की जिम्मेदारी होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, मेरे रब ने मुझे साबित कदम रखा। आपके बाबा के सामने, आपके घर वालों के सामने मेरा मान रखा, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। बेशक फ़याल, तुमने एक वादा करना है मुझसे आज। कैसा वादा? देखो खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में मुझे कुछ हो जाता है तो तुमने मेरे गम में जिंदगी नहीं गुजारनी अपनी, तुमने अपने लिए सोचना है, अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको कुछ क्यों होगा? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। शाज़ैन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आइंदा आपने ऐसी बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सॉरी। मेरी गुड़िया कैसी है? बेटी, चाचू आज आप हमारे साथ नाश्ता करेंगे ना? बिल्कुल बेटा। हाँ, बड़े दिनों के बाद अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। ये दिन देखने के लिए तरस गया था, शुक्र है मालिक का। पर यार, तुम ना होती तो शायद मेरा बेटा मेरे घर वापस ना आता। बाबा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो आपकी मोहब्बत है जो शाज़ैन को वापस खींच ले आई। नीति रो बेटा, तुम्हारी वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ है। बस शाज़ैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि
तुम ये घर कभी छोड़कर नहीं जाओगे। देखो एजेड हो गया मामू, पता नहीं जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों के साथ गुजारो। तुम वादा करो कि तुम हमेशा फरियाल का साथ निभाओगे और कभी ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। और कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा करे आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रहे। मैं वादा करता हूँ मैं फरियाल का साथ निभाऊंगा। चाचू अब आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? जी मैं अपनी गुड़िया के पास ही रहूंगा। अच्छा भाई अगर आप लोगों की इमोशनल बातें खत्म हो गई हों तो मेरे ख्याल में नाश्ता नोश फरमा लिया जाए, काफी भूख लग रही है। ठीक है मैं इस प्रेजेंटेशन पे काम करता हूँ। चलो ठीक है तुम इसको देख लो एंड देन गेट बैक टू मी। चलो शाज़ेन आर यू ओके? हाँ ठीक हूँ। शाज़ेन ऑल गुड? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे यार। पांच मिनट की ब्रेक देते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ठीक है टेक योर टाइम रिलैक्स वी कैन डू दिस लेटर। शायद मुझे सबको हकीकत बता देनी चाहिए, कम से कम फरियाल से तो ये बातें छुपानी चाहिए। फरियाल को बता देता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऑफिस से इतनी जल्दी वापस आ गई? सोच रही थी कि आज मैं खाना बनाऊंगी लेकिन आप तो ऑलरेडी खाना बना रही हैं। सईदा के घर से कॉल आ गई थी, इमरजेंसी थी ना तो उसको जाना पड़ा। मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ लेकिन तुम जाके आराम करो, ऑफिस में भी बिजी होती हो इतना। हाँ थक भी गई हूँ लेकिन पता नहीं था अभी आज ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था, इतना दिल घबरा रहा था। जाहिर है शाज़ेन के बगैर कहाँ दिल लगेगा तुम्हारा। भाभी बाबा ठीक कहते थे, तुमसे बेहतर शाज़ेन की इसलाह और कोई भी नहीं कर सकता था। मनाल ने उसका दिल तोड़ा और तुमने जोड़ दिया। दिल जोड़ने वाली जात तो सिर्फ रब की है, हम तो सिर्फ जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं और हिम्मत और रास्ता अल्लाह ही दिखाता है। मैं आपकी कोई हेल्प करवाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं कर लूंगी। अगर आप मुझे कोई काम असाइन नहीं करेंगी मैं तो बोर हो जाऊंगी। अच्छा तुम ऐसा करो तुम जाके फ्रेश होकर आओ और फिर मैं तुम्हें ढेर सारा काम दूंगी करने के लिए। फरियाल 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 क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? फरियाल फरियाल क्या हुआ है? फरियाल 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 क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ मगर आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ तुम्हें? आप इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गए? सही सी बात है मैं परेशान हो गया था। बताओ ना क्या हुआ है? मुझे चक्कर आ रहे थे तो भाभी मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। फिर क्या क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है फिर तो बहुत खुशी की बात है फरियाल, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी शाज़ेन, आप खुश हैं ना? बहुत ज़्यादा।
तो खुश होने। शाहजहान मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा आपको क्या बात करनी थी? मुझे नहीं, नहीं तो सुबह आपने मुझे फोन किया था कि घर वापस आके आपको कोई जरूरी बात करनी है, खुद बता के खुद ही भूल गए। तुमने कुछ खबर इतनी बड़ी हुई कि बाकी सब कुछ भूल गया मुझे। मैं हाँ बेटा रख लो, खुशी से दे रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। देखो ना इस घर में तुम दोनों के औलाद आ रही है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। शाहजहान बेटा जब से तुम घर वापस आए हो ना ऐसा लगता है कि घर की खुशियां वापस आ गई है। मैं तो जिंदगी में उस वक्त खुश हुआ था जब तुम पैदा हुए थे, ऐसा लगता है कि वो दिन दोबारा आ गया। ओ? एक मिनट एक मिनट, तेरी साथ बहुत करीम है, बेशक हम तेरी तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट के जाना है। मेरे रब मुझे अफसोस है कि मैं जिंदगी का ज्यादा अरसा अपने प्यारों को खुशी नहीं दे सका, लेकिन अब जब तूने मेरा दिल बदल दिया है, तूने मेरी जिंदगी कम कर दी, कैसे सबकी खुशियों को एक बार फिर मिट्टी में मिला दूं। मुझे हिम्मत है मेरे रब, मैं अपनी बीमारी की हकीकत इन सबको बता सकूं। शाहजहान ये आप क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं, वो मल्टीविटामिन खा रहा था। ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? बहुत अच्छा जा रहा है शाहजहान, मैं सोच रही थी कि अब आप भी ऑफिस ज्वाइन कर लें, अब तो आपने खुद को साबित भी कर दिया। फरियान जैसे चलना है ऐसे ही चलने दो, ऑफिस ज्वाइन करूंगा उसके बाद मैं जब चला जाऊंगा तो फिर सब कुछ दोबारा बदलना पड़ेगा। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं वो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बाबा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं उसे मिस करूं। वैसे भी जिंदगी में आपका क्या भरोसा है, इंसान को तैयार रहना चाहिए है ना। शाहजहान आपको छुपा रहे हैं मुझसे, आप बहुत दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, आप बार बार कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। देखिए मुझे अब डर लग रहा है और मेरा दिल घबरा रहा है, अगर कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका साथ में मिलकर हल ढूंढ लेंगे। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देखिए शाहजहान सब कुछ बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, अब कोई गलत कदम मत उठाइएगा और अगर अब कुछ भी गलत हुआ तो ना बाबा बर्दाश्त कर सकेंगे और ना मैं। फयाल इतनी सी बात पे अचानक तुम क्या क्या बोल गई हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा, और मैं क्या और क्यों छुपाऊंगा तुमसे, मैंने तो बस वैसी बात। चलो छोड़ो, मैंने जो कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं कहूंगा। तुम बस मुस्कुराती रहा करो, हमें
मिलकर अपने होने वाले बेबी का इंतजार करना है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पता है रात को मैं और साजिद तुम्हें याद कर रहे थे, बस आपने याद किया और मैं आ गई। शाज़ैन तुम आओ ना। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजो। अरे आइए 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 शाज़ैन साहब। क्या वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? आला कैसे हो फैजी? बहुत शरारती हो गया, बहुत तंग करता है ये भाई दिन रात। अब ये आलू चिप्स खाने लगा है, मुझे तो लगता है कि ये मेरा कारोबार चौपट करेगा। आप बैठे ना, आप लोग बैठे आए ऋषि। बैठो फरियाद। और साजिद भाई काम कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत आला शाजन साहब, बड़ा रश लगा रहता है मेरे स्टॉल पर। फ्राइज सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खास तौर पर स्कूल और मोहल्ले के बच्चे। अच्छा, और इस काम में फौजिया भी मेरा साथ दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलकर जब काम करते हैं तो बरकत होती है। इसे बहुत खुशी हुई है सुनकर, बस इसी तरह मेहनत करते रहें, अल्लाह और कामयाबी देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शाज़ैन? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो फरियाद? मैं ठीक हूँ। तुम लोग आए नहीं इंगेजमेंट में? इब्राहिम साहब तो आए थे। हाँ वो दरअसल फरियाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सके, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो मंगनी। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अरे हाँ याद आया भाई, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। फौजिया बता रही थी कि तुम दोनों के यहाँ खुशखबरी आने वाली है। शाज़ैन आप रेडी हो गए? शाज़ैन क्या हुआ फरहान? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोच रही हूँ कि करूँ या नहीं। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? मैं सोच रही हूँ ऑफिस छोड़ दो बेबी के होने तक। इतनी जल्दी क्या ऑफिस छोड़ने में? मेरा मतलब है अभी वक्त तो है ना। आप बात नहीं समझ रहे, अल्लाह हमें औलाद से नवाज रहे। मैं चाहती हूँ कि घर पे रहूँ, अपना ख्याल रखूँ, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं और आपसे अपनी नाज नखरे उठवाऊं। अच्छा तो ये सोच रही हो? मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा वक्त है। ऐसा करो तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो और डिलीवरी से 2 महीने पहले छुट्टी ले लेना। मैं भी यही करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही ऑफिस से ऑफ ले लूँगा। और जहाँ तक नाज रखने उठाने की बात है तो बंदा हाजिर है, हुक्म करो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। ग्रेट, दैट्स लाइक माय गर्ल।
चले चले। शाज़ेन क्या हुआ? शाज़ेन का है? क्या हुआ है? वो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। असद नहीं वो बता रहा था, वही उसी ने तला दी, वही लेकर आया उसे हॉस्पिटल। नहीं कैसे एकदम से तबीयत खराब हो गई? वो ठीक ठाक था बिल्कुल। पता नहीं यार, असद कह रहा था कि पता नहीं चक्कर आ गया, उसे बेहोश हो गया वो। पर यार प्लीज संभालो खुद को, वो डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे, वो हो जाएगा ठीक। मैं बैठी हूँ कामरान भाई, अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने उसके कुछ टेस्ट होने के लिए दिए हैं, वो जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक कुछ बता नहीं सकते। कामरान भाई मैं मिलना चाहती हूँ शाहजहान से अभी और इसी वक्त। पर यार डॉक्टर्स ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, वो इमरजेंसी में नहीं मिल सकते उसे। फरियाल प्लीज तुम इतनी परेशान मत हो, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज हम शाहजहान को कुछ नहीं होने थे। मशीन देखो उसे। आंसू तुम्हारी पलकों पे पड़े, कब नजरें नीचे की और गिर पड़े। तुम ही तो कहती थी बीमारी अल्लाह की तरफ से आती, शफा भी वही देने वाला है ना? अगर शाज़ेन आपको कैसे इतनी बड़ी बीमारी? दिमाग खराब था ना, तो वो बीमार हो गया। दिल खराब नहीं था वरना वो बीमार पड़ जाता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं वक्त से पहले वसवसों में मत पड़ो। मैं भी जीना चाहता हूँ यार, हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। बाबा जितना ना सही लेकिन उन जैसा बाप बनना चाहता हूं मैं। आप इतनी तकलीफ में थे, बताया क्यों नहीं? क्यों सबसे छुपाते रहे? तुम सब मेरी कामयाबी पे इतना खुश थे, कैसे तुम लोगों की खुशी को आंसू में बदल देता। देखो तुम्हारे यही आंसू नहीं देखना चाहता था मैं, मगर मैं नाकाम हो गया। भाभी आप रो रही हैं, आपको तो हौसला देना ऐसे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ने हम पे इतनी बड़ी आजमाइश डाल दी है। कुछ नहीं होता कभी मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अभी तो खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देखा था, और फिर इतना बड़ा दुख। भाभी अगर आप लोग ये हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा हौसला कौन बढ़ाएगा? कुछ नहीं होगा शाहजहान को।
बहुत बहादुर है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी से लड़ता है तो मौत से भी टकरा जाएगा इंशाल्लाह। बाबा एक बार फिर रुला रहा हूं मैं हम सबको। क्या कर, नसीब ही कुछ ऐसा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये अल्लाह की आजमाइश है और वही सुलह हो करेगा। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसकी सारी रिपोर्ट्स यूएस के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट टॉप न्यूरोसर्जन को भिजवा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसे। कुछ चाहिए आपको? नहीं, तुम मैं तो आपके पास ही हूँ। याद है जब तुम मुझे सुकून देने के लिए दम किया करती थी मुझ पर? न जाने मैं क्या क्या बोल जाया करता था। जब तुम ऐसा करती हो तो बहुत सुकून मिलता है। मैं माजी को याद नहीं करना चाहती, अब आप ही भूल जाए। क्यों, मुझे तो सब याद है, एक एक सितम। शायद उसी की सजा मिली है मुझे। नहीं शाहज़ेन, मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। वो ऐसे आपकी सारी खुशियां नहीं छीन सकता, वो तो बहुत गफूर और रहीम है और वो जरूर आप पे रहम फरमाएगा। बेशक। सुनो, तुम बैठे बैठे थक गई होगी, घर जाके आराम कर लो। तुम्हारे लिए इस हालत में ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं है। घर जाके मैं क्या करूंगी? घर जाके भी मुझे आपकी टेंशन होगी। कम से कम आप यहाँ पे मेरी नजरों के सामने तो हैं। अरे तुम मेरी किस नेकी कैसे लाओ? मुझे नहीं लगता मैंने जिंदगी में कोई भी नेकी की हो। इंसान की सबसे बड़ी नेकी यही होती है कि वो खुद को बदल ले और अपने रब से लौ लगा ले। और मेरे लिए तो आप अल्लाह की दीवी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम्हें यकीन है कि वो हमें जुदा नहीं करेगा? नहीं, अब मुझे पूरा यकीन है वो हमें दोबारा जुदा नहीं करेगा। अब देखिएगा, हम सब एक साथ दोबारा से घर में होंगे और अपने आने वाले बच्चे को वेलकम करेंगे। काश ये मोहब्बत मुझे बहुत पहले मिली होती।
ढेर कर दी मैंने। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अच्छा मैं कामरान भाई को फोन करूं तुम्हें ले जाए यहाँ से। शाहजैन मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे वापस घर नहीं जाना अभी। प्लीज मान लो मेरी बात है, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगी, प्लीज घर चले जाओ, मैं आ जाऊंगा ना बाद में। प्लीज अपने होने वाले बच्चे के बाबा के लिए। ओके देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त ना कुछ भी सुनने की पोजीशन में नहीं हूँ। डॉक्टर साहब शाहजैन का इलाज दुनिया के किसी किसी कोने में तो मुमकिन होगा ना, मुझे 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 बस सिर्फ मेरा भाई इस वक्त जो है ना वो सेहतमंद चाहिए, दैट्स इट। जी जी डॉक्टर साहब, जी ठीक है मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा, मैं बाबा से भी मशवरा कर लेता। जी जी ओके, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। वो बाबा और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि 15 दिन में सर्जरी करनी लाजमी है, और कॉन्फिडेंट वो हैं लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है बाबा, रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ वो डॉक्टर अमजद हैं यूएसए वाले, उन्होंने भी शाहजैन की रिपोर्ट से कर यही कहा कि रिस्क ज़्यादा है, सर्जरी करवानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बेटा देखो, रिस्क चाहे जितना भी बड़ा हो, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो हर बीमारी हर आफत टल जाती है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमारे शाहजैन को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह। शाहजैन मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि हमारी आखिरी मुलाकात रही है। लड़का हुआ ना तो नाम अमानत रखी, और अगर बेटी हुई तो पर भी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं तो चाहता हूं कि ऑपरेशन थिएटर तक का ये सफर कभी खत्म हुआ। हाँ लेकिन इस सफर के बाद एक और सफर तो शुरू होना है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी बात को पूरा कर देता। तो आज आपने फिर से मेरी बात पे यकीन करना है, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे ना, इस नियत से आंखें बंद करनी है कि जब आपकी आंखें खुलेंगी आपको मेरे सिवाय कोई नहीं दिखाई देगा। और अगर ऐसा ना हो तो तुम्हारी आंखें प्लीज किसी और को ढूंढ लें। रुको आपको ऑपरेशन थिएटर से सेहतमंद होकर वापस निकलना होगा, इस वादे के बगैर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मेरे माहिया मेरे मालिका, तुझे सब खबर है तुझे सब पता, मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का,
मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है तुझे सब पता। अमानत अली रुको गिर जाओगे। अमानत अमानत अली रुको, अमानत गिर जाओगे। अमानत अमानत मेरे कैसा मेरी जान? आप तो बहुत जल्दी आ गए आज ऑफिस से। ये प्यार भरे लम्हे कौन मिस करना चाहेगा। चले